नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉयलेट जो कि नॉर्थ दिशा में अगर है, क्या इफेक्ट देगा, कितना घातक परिणाम देगा और इस परिणाम से हम कैसे बच सकते हैं, इसका क्या रेमेडीज हो सकता है, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये नॉर्थ जो है वह 0 डिग्री पर आता है, 0 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री, ये पूरा क्षेत्र नॉर्थ का आता है। नॉर्थ जोन क्या है? नॉर्थ जोन है वास्तु में अपॉर्चुनिटी का, अवसर का। आपके जीवन में जो भी अवसर आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आने के बाद ही प्राप्त होती है। नौकरी, ऊंचे पद या व्यापार, अच्छे व्यापार का चलना या बिजनेस या जो भी आप पैसा इत्यादि प्राप्त करते हैं, मनी इत्यादि प्राप्त करते हैं, उसके अपॉर्चुनिटी जो आता है वह इसी जोन से आता है। अर्थात ये समझिए कि यह जोन आपके लिए कितना अच्छा है और इस जोन को आप कैसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं और कैसे आप अपने लिए अच्छा परिणाम नहीं दे, ऐसी स्थिति खुद आप उत्पन्न कर सकते हैं। वह स्थिति उत्पन्न तभी होता है जब वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को आप लाते हैं। अर्थात जो चीज़ वहाँ नहीं रहना चाहिए उस चीज़ को आप वहाँ लाते हैं तो उसका जो आपको अवसर का परिणाम अच्छा मिलना चाहिए, नए नित्य नए अवसर जो आपके जीवन में आना चाहिए वह नहीं आता है, उससे आप वंचित रह जाते हैं। अर्थात नौकरी भी जो आता है अपॉर्चुनिटी से आता है, पदोन्नति भी जो आता है अपॉर्चुनिटी से आता है, नए बिजनेस के अवसर जो आते हैं अपॉर्चुनिटी से आता है और नए कॉन्टैक्ट जो भी बनते हैं वह अपॉर्चुनिटी से आता है। एक जो भी व्यापारी है, नए ग्राहक उसके लिए आता है, यह अपॉर्चुनिटी ही देता है, अवसर ही यह क्षेत्र देता है। अर्थात यह 0 डिग्री का क्षेत्र, यह जोन आपके जीवन में तरक्की के लिए बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर यहाँ पर यह इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि यह जो जोन है इसके तत्व जल तत्व हैं और इसके देवता कुबेर देवता हैं, इसके ग्रह जो अधिपत्य ग्रह जो है अर्थात रूलिंग प्लैनेट जो है वह बुध है। बुध जो है आपके बुद्धि से संबंधित रखता है, व्यापार से संबंधित रखता है, आवज में आपके जीवन में नित्य नए अवसर तरक्की जो देता है यह बुध ग्रह देता है। बुध ग्रह अर्थात ये समझिए कि यहाँ के जो देवता हैं वह आपके जीवन में हर हमेशा तभी अवसर प्रदान करेगा जब उस जोन में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव चीज़ आप नहीं प्रवेश होने देते। नेगेटिव एनर्जी में क्या होता है कि वहाँ आप टॉयलेट बना देते हैं, वहाँ आप किचन बना देते हैं, वहाँ आप सेप्टिक टैंक बना देते हैं, वहाँ का कलर आप लाल कर देते हैं, पीला कर देते हैं। ये सारे जब चीज़ आप वहाँ उत्पन्न कर देते हैं और अज्ञानतावश के कारण ही, कि कोई भी व्यक्ति अगर वह जानकार हो जाए, ज्ञानी हो जाए, वास्तु की थोड़ा थोड़ा टिप समझने लगे, वास्तु के रहस्य को समझने लगे, तो वह गलती ऐसा कर ही नहीं सकता है। एक हमारे क्लाइंट थे, वह बोले कि हम बहुत बड़ा व्यापार तो स्टार्ट किए हैं लेकिन हमारे जीवन में जो है सो ग्राहक नहीं आता है, हमारे पास जो है व्यापार की तरक्की नहीं हो पाता है, नए कॉन्टैक्ट व्यापार के लिए नहीं आ पाते हैं। उसका मुख्य कारण वह उत्तर में टॉयलेट बना करके रखे थे। उसका रेमेडीज अगर आप टॉयलेट हटा सकते हैं, पहला उपचार है कि टॉयलेट को हटा दें। दूसरा उपचार है, अगर आप टॉयलेट नहीं हटा सकते हैं तो वहाँ उसका रेमेडीज करें। अगर रेमेडीज कर लेते हैं तो ये कुछ अवसर आपको प्रदान होने लगेगा, अच्छा परिणाम देने लगेगा। इसके रेमेडीज क्या हैं इस बारीक को समझना आवश्यक है। अगर वहाँ इंडियन टॉयलेट है तो उसकी तीन तरफ, चूँकि वह एक तो दीवार में सेट रहता है तो दीवार ठीक जहाँ दीवार समाप्त होता है उसका 1 इंची ऊपर से ही एक 4 इंची का हरा रंग का
पट्टी रेड हरे रंग के पट्टी को चारों तरफ लगा दें, अगर जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो जब ये करेंगे तो जो ब्रह्म स्थान से वाटर की एनर्जी उस क्षेत्र में जाता है और वह किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वह अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। तो इससे बचने के लिए इस टॉयलेट का यही ट्रीटमेंट है। आप कभी किसी परेशानी में हैं तो ये करके देखें। दूसरा दिक्कत क्या जाता है, मनी की किल्लत चालू हो जाती है। जब आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपको अवसर नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो आपके सारे बिजनेस ठप होने लगेंगे। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीमारी भी वहाँ से प्रवेश करता है, क्योंकि उस पद के ठीक बाद जो पद आता है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, वह जो है सो हेल्थ का क्षेत्र है, तो हेल्थ भी डिस्टर्ब होने लगता है। ये सारी चीज समस्याएं उत्पन्न होने लगती है केवल एक गलती से कि नॉर्थ दिशा में आप टॉयलेट बना देते हैं। पहली बात, नॉर्थ में टॉयलेट कभी नहीं बनाएं। दूसरी बात, अगर बना लिए हैं या वीडियो देख करके पूरा उसका ट्रीटमेंट करें। तीसरी बात कि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट से आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब इसके करने के बाद वहाँ पर टॉयलेट हर हमेशा आपको साफ रखना है, नमक से पोछा करवाना है, और वहाँ पर जो है सो खुशबू का कोई भी इत्र इत्यादि छिड़क कर रखें, ताकि वहाँ के जो देवता हैं वह कुछ हद तक आपके लिए अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।